नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग, वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, हमारे साथ जब हम एक्सेल पे ऑपरेशंस करते हैं, तभी ऑपरेशंस करते वक्त हमें अपने सेल्स के कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें समझने बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता होंगे तो हमारा बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, या फिर हमें बहुत सारे एरर्स मिलते हैं जो एरर्स हमें आइडेंटिफाई नहीं होते कि एरर्स क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वही एरर्स क्यों आते हैं और प्रॉपर्टीज किस तरह से सेट की जाती है। तो दोस्तों, हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे, आज हम कवर करेंगे सेल प्रॉपर्टीज। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल प्रॉपर्टीज। सेल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है? आपके एक्सेल में ये आपकी होती है शीट, ये शीट में ये आपके होते हैं कॉलम, ये होते हैं रोज, और इन दोनों का मिला के जहाँ पे मिलाप होता है वो एरिया को कहते हैं सेल। अब ये सेल्स के कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम डाल देता हूँ, मेरा नाम मैं डालता हूँ प्रेमानंद। जैसे मैं प्रेमानंद डालता हूँ तो सेल का एक प्रॉपर्टी रहता है, वो प्रॉपर्टी रहता है यहाँ पर। अपने स्पेसिफिक सेल के कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे कि इसका एक फॉर्मेट होता है, ये भी प्रॉपर्टी प्रेमानंद का फॉर्मेट है जनरल। तो अभी मैं डालता हूँ यहाँ पर नंबर, मेरा 5 नंबर डालता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ आज का डेट, आज है 9 तारीख, तो 09-07-2020। ओके, तो दोस्तों अभी ये 3 अलग अलग फॉर्मेट्स है। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेमानंद पे जब भी मैंने डाल दिया तो एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जनरल है। ओके, मैंने यहाँ पर 5 डाला तो 5 भी उसने किया जनरल। अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने एक डेट डाला तो एक्सेल ने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक डेट है। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी एक्सेल अपने आप से डिजाइन कर लेता है, खुद डिजाइन कर लेता है। बट हमें अगर चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो हम ये प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। वो भी किस तरह से करना है दोस्तों, अभी ये 5 है, 5 जनरल है, लेकिन 5 जनरली हमें नंबर्स में देना चाहिए, क्योंकि 5+5 हमको जो 5 है ये नंबर है, नंबर्स को हम लोग कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। तो कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए 5 को अगर मैं नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो देखो 5.00, मतलब ये डेसिमल में आ गया। पहले वो 5 जस्ट एक इंटीजर पकड़ के चल रहा था, जो इंटीजर का कोई आप ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टली कोई भी ऑपरेशंस कर दो, आप उसको डेट ऑपरेशंस कर दो या फिर नंबर ऑपरेशंस कर दो, टेक्स्ट ऑपरेशंस कर दो, तो 5 उसके लिए जस्ट एक इंटीजर था। अभी 5 उसके लिए एक नंबर बन चुका है, तो अभी आप इजीली इसके ऊपर कोई भी नंबर बेस्ड ऑपरेशंस करा सकते हो या आपको कोई भी एरर्स नहीं आएंगे। जैसे कि अभी डेट है, मैं आपको बहुत ही सिंपली से समझने के लिए डेट को जाता हूँ, डेट को जाके मैं जनरल कर देता हूँ। देखो, डेट को जैसे ही मैं जनरल कन्वर्ट कर देता हूँ तो डेट का यहाँ पर एक नंबर बन गया। तो जैसे कि एक जनरल फॉर्मेट हो गया, ये डेट को आप जब भी एक्सेल शीट में काम करते हो आपको डेट कभी कभी इसी तरह से दिखने लगते हैं, तभी आपको जाके यहाँ से उसको डेट फॉर्मेट में शॉर्ट डेट डाल दीजिए। शॉर्ट डेट डाल दोगे तो आपका डेट फॉर्मेट इस तरह से बन जाएगा। तो दोस्तों, ये एक उसके प्रॉपर्टीज रहते हैं, ये प्रॉपर्टीज उसको एक बैक कोडिंग के लिए उसने जनरल बना दिया। जैसे कि आप इसको नंबर बना दो तो ये नंबर बन जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। जैसे मैं इसको करेंसी में बदलता हूँ तो ये करेंसी में बन गया। देखो, इसका इंडियन करेंसी का आई सिंबल आ गया और इसमें कॉमास भी आ गए। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को, अगर देखो चलो मैं अपने 5000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, 5000 रुपीज़ इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर 600000 लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इनको नंबर फॉर्मेट में डालता हूँ। नंबर फॉर्मेट में डाला तो इनको देखो डेसिमल्स में आ गया। अगेन इनको सिलेक्ट करता हूँ, इनको सिलेक्ट करके मैं इनको मैं करेंसी में डालता हूँ। देखो, करेंसी में डालने के बाद इमीडिएटली इसमें जो एक इम्पैक्ट आ गया, इसमें देखो कॉमास जो आना शुरू हो गए, तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये अभी करेंसी है। इसके बाद यहाँ पर अभी लॉन्ग डेट है, चलो मैंने 600000 को लिया और 600000 को मैंने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट किया। तो देखो, 600000 को मैंने लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करने के बाद एक कोई भी एक डेट जनरेट हो गया। देखो, 3542 ईयर, इट इज टू लॉन्ग, अब ये आने के लिए बहुत टाइम बाकी है बॉस। तो ये एक स्पेसिफिकली डेट बन गया, जो एक नंबर को इसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको मैं टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो टाइम में 00 हो गया, क्योंकि टाइम में आपको डबल कोलन से टाइम डिफाइन करना पड़ता है। देखो, आपको अगर कोई भी वैल्यू डिफाइन करना है तो आप 4.5 करके डिफाइन कर सकते हैं, बट आपको अगर टाइम डिफाइन करना है तो समझो मुझे डिफाइन करना है कि अभी 1:10 हुए,
तो मैं एक दबाऊंगा, डबल कोलन मारूंगा और 10 मिनट पकड़ूंगा, तभी जाके एक्सेल इसको डिफाइन करेगा कि ये टाइम है। अभी इसको जाके मैं कस्टम, ये कस्टम जब एक्सेल को जब भी आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन सा फॉर्मेट है, तभी वो कस्टम या फिर जनरल में डाल देता है, तो आपको इसको डिफाइन खुद से करना पड़ता है। अभी जाके मैं इसको टाइम पे सेट करता हूँ। देखो टाइम पे सेट करने के बाद इमीडिएटली अभी टाइम में प्रॉपर इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉस दिस इज अ टाइम। ओके, मैं 4.5 को अगर टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा, जिसने डायरेक्टली 12 एक स्टैंडर्ड नंबर पकड़ लिया, जिसको कोई भी 12 4 को आप 12 से कभी डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस तरह से इसने एक स्टैंडर्ड नंबर पकड़ लिया। आपको टाइम ऑपरेशंस करने तो आपको डबल कोलन लगाने, यहाँ पर जाके मैं 9 डालता हूँ, 9 को सिलेक्ट करता हूँ, 9 को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर परसेंटेज डालता हूँ, तो देखो इसने 900 परसेंटेज पकड़ लिए। अभी मैं अगर परसेंटेज के बाद अगर यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो अभी इसने 9% पकड़ लिए। अभी मैं डालता हूँ 6.7, तो 6.70% पकड़ लिए। बट यहाँ पर मैं 8 डाल, यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम पे 8 डाल के मैं वापस अभी इसके ऊपर परसेंटेज लगाने की कोशिश करूंगा तो ये कंसिडर करेगा 800%। आपको परसेंट डिफाइन करने के टाइम पे हमेशा पॉइंट में डालना होता है, जैसे कि सिस्टम को आप जब भी परसेंट डिफाइन करवाते हो तभी मैं डालूंगा 0.9, तो इंटर करूंगा, और अभी इसको जब जाके मैं परसेंट में डिफाइन करूंगा तो अभी ये 90% आना चाहिए। देखो इसे 90% डिफाइन कर लिया। ओके, यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन शॉर्टकट दिया हुआ है, ये आपका शॉर्टकट है, आपका अकाउंटिंग जो आपका करेंसी है करेंसी का ये शॉर्टकट है, ये अमाउंट का जो आपका अमाउंट फॉर्मेट चाहिए इंडियन करेंसी या कोई भी कॉमर्स बेस चाहिए तो आप यहाँ से और डेसिमल आप यहाँ से कम और बढ़ा सकते हो। देखो डेसिमल मुझे कम करवाने हैं तो मैं डेसिमल अभी कम किए, डेसिमल बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ पर डेसिमल बढ़ा दिए, तो इस तरह से आप डेसिमल भी और कम करान बढ़ा भी सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ये ऑपरेशंस करा सकते हो। अभी इसको मैं जनरल है तो मैं इसको यहाँ पे जाके टेक्स्ट करा दिया, तो देखो ये टेक्स्ट फॉर्मेट आ गया। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे। ओके, ये फ्रैक्शंस है, ये साइंटिफिक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मेट्स को कोशिश कीजिए रन करने की, और अगर इसमें कोई एरर्स आते हैं तो एरर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, और एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मुझे बता दीजिए कि आपको कौन से एरर्स आ रहे हैं। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट एरर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियोस में हम और भी अच्छे अच्छे एक्सेल में अलग ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं, टेबल किस तरह से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।